हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि रियलमी C53 फ़ोन में आप लोग स्लो इंटरनेट प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास एक रियलमी C53 फ़ोन है, उसमें जो है आप लोगों को स्लो इंटरनेट प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। आप लोग यूट्यूब को ऑन कर रहे हो, यूट्यूब भी जो है स्लो करके चल रहा है यहाँ पर। उसके बाद आप लोग फेसबुक को ऑन कर रहे हो, वहाँ पर भी जो है रिफ़्रेश नहीं हो रहा है, बहुत ही स्लो स्लो करके जो यहाँ पर फ़ोटो डाउनलोडिंग हो रहा है। ठीक है, तो आप लोगों के फ़ोन में अगर स्लो इंटरनेट प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, तो इस प्रॉब्लम को आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, तो आज के वीडियो में मैं यही बताऊंगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्लो इंटरनेट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जो है यहाँ पर सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइस, नेटवर्क एंड इंटरनेट का, तो इस पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि एरोप्लेन मोड, हॉटस्पॉट, डाटा सेवर। अगर आपके फ़ोन में जो ये हॉटस्पॉट एंड थेटरिंग ऑन है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो वाईफाई हॉटस्पॉट है, तो अगर ये जो है ऑन है हॉटस्पॉट, तब भी जो है आप लोगों को स्लो इंटरनेट प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा। क्योंकि गाइस, अगर आपके फ़ोन का जो ये हॉटस्पॉट है वो ऑन है और दूसरे फ़ोन में जो है किसी ने इसको कनेक्ट कर लिया है और वो जो है यूट्यूब में वीडियोज़ वगैरह देख रहे हैं आपके नेट से, तो आपके फ़ोन में जो है स्लो इंटरनेट प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा। तो इसको चेक कर लीजिए, अगर आपके फ़ोन में हॉटस्पॉट ऑन है तो इसको ऑन ऑफ़ कर लीजिए। आप लोगों को ऊपर भी देखने को मिल जाएगा हॉटस्पॉट का ऑप्शन, ये रहा। अगर आपके फ़ोन में ये ऑन है तो इसको ज़रूर से ऑफ़ कर लीजिए। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है गाइस, यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, देख सकते हैं यहाँ पर नेटवर्क एंड इंटरनेट का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं मोबाइल नेटवर्क का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं सिम के जितने भी सेटिंग्स है सब यहाँ पर शो हो गए हैं। तो आप लोग क्या करना है गाइस, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप का, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपके फ़ोन में जो ये 2G या 3G में सेट है, तो मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑप्शन जो है, अगर आपके फ़ोन में 2G में सेट है तब भी जो है आप लोगों को स्लो इंटरनेट प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा। अगर 3G में सेट है तब भी आप लोगों को स्लो इंटरनेट प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा। तो इसको गाइस हमेशा एकदम मैक्स सेटिंग्स में सेट करके रखिए। अगर आपके फ़ोन में 5G सपोर्ट करता है या 4G सपोर्ट करता है, जो भी मैक्स सेटिंग है उस पर आप लोग सिलेक्ट करके रख दीजिए। सिलेक्ट करके रखने के बाद आपका जो स्लो इंटरनेट प्रॉब्लम है वो ज़रूर से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है गाइस, यहाँ पर से थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एक्सेस पॉइंट नेम्स का, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। इसको गाइस शॉर्ट फॉर्म में APN सेटिंग्स भी बोलते हैं गाइस बहुत सारे लोग, तो इस APN सेटिंग को हमें रीसेट करना है। तो रीसेट करने के लिए देख सकते हैं यहाँ पर जो एक 3 डॉट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद रीसेट टू डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन आया है, यहाँ पर क्लिक करिए और ओके पे क्लिक कर दीजिए। ऐसा करते ही आपका जो APN सेटिंग है वो रीसेट हो जाएगा, और APN सेटिंग रीसेट होने के बाद आपका जो स्लो इंटरनेट प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो गाइस, उसके बाद यहाँ पर से आप लोगों को फिर से सेटिंग्स पे क्लिक करना है और नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सिस्टम का, तो इस सिस्टम के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं गाइस एक रीसेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये वाला, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं रीसेट करने के लिए यहाँ पर 3 ऑप्शन है। तो हमारे फ़ोन में जो है मोबाइल नेटवर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है गाइस, मतलब डाटा से रिलेटेड। तो हम क्या करेंगे, इस रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारा जो मोबाइल डाटा है वो रीसेट हो जाएगा गाइस, तो इसलिए हमने इस पर क्लिक किया है। तो नीचे दे सकते हैं रीसेट सेटिंग्स का ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर से रीसेट सेटिंग्स का ऑप्शन आया है, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमारा जो नेटवर्क सेटिंग है वो रीसेट हो जाएगा, और नेटवर्क सेटिंग रीसेट होने के बाद आपका जो स्लो इंटरनेट प्रॉब्लम है वो भी ज़रूर से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को बैकग्राउंड में देख लेना गाइस, अगर आपके बैकग्राउंड में जो है कुछ डाउनलोड या कुछ अपडेट हो रहा है तो उन सबको ऑफ़ कर दीजिए। यहाँ पर नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा अगर कुछ डाउनलोड हो रहा है या अगर कुछ अपडेट हो रहा है, तो होने दीजिए, या तो होने दीजिए या तो कैंसिल कर दीजिए, ठीक है गाइस। क्योंकि अगर आप लोग होने देंगे तो अपडेट हो जाएगा, उसके बाद आपका स्लो इंटरनेट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आप लोग कैंसिल कर दोगे तब भी आप लोगों का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को चेक कर लेना है गाइस, अगर आपके फ़ोन में जो रिचार्ज ख़त्म हो गया है तब भी आपके फ़ोन में स्लो इंटरनेट प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा।
तो रिचार्ज को चेक कर लीजिए, उसके बाद आप लोग अपने डाटा को चेक कर सकते हैं। अगर आपने जो है डेली डाटा लिमिट ख़त्म कर दिया है तब भी आप लोगों के फ़ोन में स्लो इंटरनेट प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके ऑन कर सकते हैं, उसके बाद सिम को निकाल के फिर से लगा सकते हैं। तो ये सब करने से भी आपका जो ये स्लो इंटरनेट प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने रियलमी C53 फ़ोन में स्लो इंटरनेट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।